गोर रहा। कहा मैंने जब निमौर की है मोर न सफरी, अब लेहड़ा भर में मेहरारू बैठी है मर मीठा खान पियन, कुछ समझावत बुझाओ थे तुहार बाबू मर मीठा खान पियन न्योता खा टेंट पेंट जगलेटर लगवा दिन, कैसे न जाबू मन तन ब कहत म हम जाब न कर, लेकिन रो रो कैसे कहत ब। हम तो जाई भाई है ना, हो हम तो जाई भाई है ना, और सैया लाए डोली डनडा कम तो जाई भाई है ना। कहा सैया लाए डोली डंड हम तो जाई, और का कहे जाए के जो जाइब करब तो डोली में बैठब भैया न, जाए के जो जाइब करब तो डोली में बैठब भैया न, बैठे के जो बैठू जाब तो डोली से उतरब भैया न, उतर के जो उतरू जाब तो चौखट डाकब भैया न, चौखट डाके के डाकू लेब तो मुंह देखाई भैया न, मुंह देखावे के देखाऊ लेब तो केहू से बोलब ने, बोले के जो बोलू ले बता खाना खावो ने, खाए के जो खाऊ ले बता हाथ धोई ने, हाथ धो के धो ले बता सुते जाबो ने, सुते के जो सुतू ले बता, अरे मोरी माई ओ सैयला डोली डनडो हम तो जाई। अरे मयरिया कवन करन माँ भुलैलू ना हे भुलैलू ना, सुन लिखी हीरा हे गईलू मोरे घरे आईलू पहले अखिया हम खोली ना हे मैया, सूर्य देव से सुकवा से पहले जय माता दी हम बोली ला हे मैया, से पहले हे नजरिया कवन करन माँ हटौलू ना हे हटौलू ना, सुनल की राहे गईलू मोरे घरे आईलू ना, सुनल की राहे भाभी। देखो भाभी भूख से प्यास से लगता है प्राण ही निकल जाएगा। देवर जी देखो भाभी आगे गांव दिखाई दे रहा है, चलो वहां पे कुछ मांगते हैं खाते हैं, लेकिन भाभी कब तक हम लोग मांगेंगे कब तक खाएंगे? लोग कहेंगे अरे ये विजय अपने भाभी के साथ प्यार करता है। हाँ देवर जी एक कलंकट टीका जो हमारे और आपके ऊपर लगा है ये तो नहीं मिट सकता है,
इसका एक ही उपाय है भाभी, आज तो मांगते खाते हैं लेकिन कल किसी दरिया में जाकर हम लोग अपना प्राण त्याग देंगे। देवर जी। हाँ भाभी। चलो इस गांव पार कीजिए, उसके बाद सामने एक नदी दिखाई दे रही है। हाँ भाभी, वहीं पे हम लोग अपना प्राण त्याग देंगे। हाँ देवर जी। क्योंकि ये बात बर्दाश्त नहीं होगा भाभी, जिसे जिंदगी भर मां समान मानता हूं, अगर कोई कहेगा ये विजय अपने मां समान भाभी के साथ ऐसा कार्य किया है, ये बर्दाश्त नहीं होगा भाभी। चलो भाभी चलते हैं, कुछ मांगते खाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग। देवर जी भिक्षा। हाँ भाभी। कैसे मिलेगा? देखिए भाभी, भिक्षा तो जरूर मिलेगा, अपना कर्तव्य हम लोग करेंगे, अगर हम कोई दयालु होगा तो देगा, अन्यथा प्राण तो त्यागना ही है भाभी। ठीक है देव जी। हे राज रानी ना हो या जमांगान चली है, आज मागान चली है। हार लगाई के लंके हमारे ऊपर, लगाई के लंके हमारे ऊपर, अरे पति ने दिहले निशानी ना हो आज मांगान चली है। ये भूख है ये प्यासा से तड़प रहा हो भाभी, हे भूख है ये प्यासा से तड़प रहा हो, अरे कहाँ पे मिली दाना पानी ना हो आज मांगने चली है। राज रानी ना हो आज मांगने चली है। देवर जी। भाभी। देवर जी कहिए। चलिए सामने गोमती दिखाई दे रही है। हाँ भाभी। चलो वहीं पर हम दोनों अपना जान दे देंगे। हाँ भाभी चलिए चलते हैं। हाँ। आइए भाभी, क्योंकि मुंह दिखाने काबिल नहीं है। हाँ भाभी, अगर कलंक लग गया है तो कहीं भी एक कलंक का टिकट नहीं छूट सकता है भाभी। चलिए भाभी आइए। ठीक है। मैं क्या देख रहा हूँ बाबूजी? महारानी जी,
आज एक भिखारन के रूप में। हाँ बाबूजी, आज जिस महारानी को आपने एक महारानी के रूप में देखे होंगे, आज वही महारानी एक भिखारी के रूप में। महारानी सुनिए। कहिए बाबूजी। अरे भेष कैसा बनाई महारानी जी, भेष कैसा बना महारानी जी। बात क्या है समझ ही में नहीं आ रहा, बात क्या है बता। महारानी जी, आप एक महारानी होते हुए, ठाकुर प्रताप सिंह की महारानी होते हुए एक भिखारन के रूप, आखिर बात क्या है? सुनो बाबूजी, और लगा ये किलां हमारे हरिओं पर। सुनो, लगा और पति ने घर से ए मुझको भगाए है, पति ने मुझको घर से। महारानी आप क्या कह रही है, आप ऊपर ये कलंक का टीका लगा हुआ है। हाँ बाबूजी। और आपके पति ने आपको घर से भगा दिए। हाँ बाबूजी। आखिर क्यों, किस बात का ये कलंक का टीका लगा हुआ है? बाबूजी, मैं और मेरे देव के ऊपर गलत व्यवहार देकर मुझे कलंक का टीका लगा दिए है, मुझे घर से भगा दिए। बाबूजी, अब मैं जा रही हूँ, सामने गोमती दिखाई दे रही है, मैं अमीर देवर दोनों अपना जान दे दूंगी। देखो बेटी। और बेटा विजय। कहिए बाबूजी। जान देने से कलंक का टीका नहीं मिट सकता है। देखिए बाबूजी, आखिर हमारे लोग के पास है ही क्या, कोई उपाय भी तो नहीं है, केवल यही दिखाई दे रहा है। अगर जान दे देंगे, ये तो लोग नहीं कहेंगे कि प्रताप सिंह का छोटा भाई और महारानी नर्मदा दोनों आपस में प्यार करते थे, ये तो नहीं कहेगा कोई ना। ठीक है, लेकिन बेटा विजय मेरी बात को मानो, तुम दोनों अपना जान मत दो। फिर क्या करो? जान देने से एकलंग का टीका नहीं मिटेगा, जिसने एकलंग का टीका लगाया है वही एकलंग का टीका मिटा सकता है। यानी हमारे भैया जी, आपके भाई साहब ने एक लंग का टीका लगाए हैं, तो वही एक लंग का टीका मिटाएंगे। चलो, तब तक तुम दोनों मेरे महल चलो। आज से महारानी नर्मदा, हमारे पास से एक बेटी है मधु, लेकिन एक बेटी नहीं, आज से दूसरी बेटी नर्मदा भी है। चल बेटी, तू हमारे महल चल बेटा, और तू भी चल, अपने जान को मत दे। ये दिन ऐसा आएगा कि तेरे तुम दोनों के ऊपर से यह एक लंक का टीका मिट जाएगा। ठीक है बाबूजी, अगर आप कहते हैं, आपके कहने से मैं आपके घर चलने के लिए तैयार। ठीक है बेटा, चलो आप लोग मेरे घर चलिए। चलिए भाभी। आवे ना रोवाई हे विधाता,
नसीबियाई कहाँ वाले के जा।